समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहने, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका, जितने हमारे साथी उपस्थित हैं, आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह कम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे जोश और उत्साह भी बढ़ रहा है। और ये हमें चेहरों पे जो खुशी दिखाई दे रही है, ये जो चेहरों पर खुशी और उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार पहले से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम भुवाल जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ऐतिहासिक वोटों से राम भुवाल जी जीत करके जा रहे हैं। और अभी जब कुछ दिनों पहले, अभी कुछ दिन पहले जब उपचुनाव हुआ था, मैं आप सबका, जितने हमारे सपा बसपा के और आरएलडी के नेता कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पिछली बार जिताने का काम किया था। न जाने कौन सी परिस्थितियां रही, न जाने कौन सी परिस्थिति रही होंगी और न जाने कौन सा प्रसाद मिल गया होगा कि हम लोगों को छोड़ करके वो चले गए। हमें नहीं पता कि क्या प्रसाद मिला होगा। लगता मठ से कोई ऐसा प्रसाद मिल गया कि हमें और आपको छोड़ करके वो चले गए। और सुनने में ये आया है कि अभी हाथ सीधा नहीं हुआ है, उसके बाद भी छोड़ के चले गए। जिन्होंने लाठी मारी, जिन्होंने बेइज्जत किया, जिन्होंने अपमानित किया, उन्हीं के चरणों में जाकर के गिर गए जाकर के। नेता चले गए हों, लेकिन जनता नहीं गई है, जनता वही की वही है और इस बार फिर एक बार ऐतिहासिक वोटों से जिताने के लिए तैयार है। ये बीजेपी के लोग जो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, बताओ किसी के अच्छे दिन आ गए हों तो बताओ। जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। जिन्होंने कहा कि हम करोड़ों नौकरी नौजवान और युवाओं को दे देंगे, वो नौकरी और रोजगार भी नहीं मिले।